Welcome back to the retail management lectures. Today, we are going to study retail merchandise management and few new concepts. So, handling involves seeing that merchandise is where it is needed or in the proper condition to be sold. So, basically, merchandise management is nothing but managing your merchandise, placing things at a particular point of sale and at a proper condition, right? If condition is not good, बीइंग बायर आप भी वो प्रोडक्ट को नहीं परचेस करोगे भले ही वो कितना ही खूबसूरत प्रोडक्ट हो या फिर कपड़ा हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस हो छोटा सा माइनर डैमेज uh, भी आपको वो कैंसिल करने के लिए मजबूर कर देता है राइट सो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड द फंक्शन ऑफ मर्साइज इन्वॉल्व स्पेंडिंग मनी फॉर एक्वायरिंग प्रोडक्ट इट इज ने टू कंट्रोल दनी स्पेंड ऑन बाइंग

आप भले ही कितना ही मार्केटिंग करो या फिर अपने रिटेल आउटलेट को मैनेज करो अगर आपने वो वेल well प्लान तरीके से नहीं किया तो आपका काम बिगड़ सकता है सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी फॉर्मल प्लानिंग समटाइम्स वी डू इनफॉर्मल प्लानिंग सो प्लानिंग इन्वॉल्व इन मार्केटिंग इज द राइट मर्चेंडाइज टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इन द राइट क्वान्टिटीज राइट प्राइस before lockdown things were different everything was very normal market was good our inflation was also at the moderate rate now we are not considering inflation when it comes to price what we are considering is the losses recovery now everyone is doing अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो हर चीज के प्राइस अभी बढ़ गए है एंड ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन से पहले इतना तो नहीं था अब लॉकडाउन के बाद इतना हो गया है नाउ यू आर अर्निंग योर जो भी आपने लॉस किया था वो राइट सो प्राइस रिटेल मर्चेंडाइज के पास भी वही होना चाहिए जो सुटेबल हो एट द राइट प्राइस लोगों को नहीं लगना चाहिए कि दे आर लुटिंग और लॉकडाउन में जो लॉस हुआ उनके पैसे ले रहे राइट right? So merchandising management system. So there are two things when it comes to merchandising management system. One is retail logistic. The retail logistic is very simple. Buying products, distribute it into the stores, and then again, if the customer buys, hand in the it will be in the hands of the customer. Now there are some subsystems. Instead of buying product, what you can do is merchandise buying, ordering, and handling. These three things you can do in the subsystem. But our main focus would be on retail logistics, that is, product ko buy karna, stores ko distribute karna, and then in wo customers ko sale karna or customer ke mein wo product Now there is something called merchandise buys buying. So merchandise buying involves identifying the sources of supply. ठीक है, sources of supply क्या -क्या है क्या-क्या हमारे पास एंड देन बाई प्रोडक्ट वी बाय बल्क ठीक है आप अगर, अगर मेजर करेंगे बिग बाजार से डी मार्ट को ठीक है वेन वी डिफ्रेंशियट द प्राइजेस वेन वी डिफ्रेंशिएट दोटल बिलिंग राइट तो कहीं ना कहीं बिग बाजार में थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा है आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि डीमार्ट यहाँ पे शुरू होने से पहले बिग बाजार में ही सब लोग शॉपिंग करते थे लेकिन एक समय बाद डीमार्ट शुरू हुआ एंड एवरीवन गॉट शिफ्टेड टू डीमार्ट बिग बाजार का जो मार्केट वैल्यू था जो गुडविल था जिस तरीके से उनके अर्निंग्स हो रहे थे या फिर उनके जो इन्वेंटरीज का रोल आउट या फिर

लर आर नथिंग बट वेंडर्स ऑफ मैनुफैक्चर अगर आपके होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जिसको हम इन जनरल ऑफिशियली बोलते हैं अगर वो आपके वेंडर की तरह काम करेंगे तो आपका जो बाइंग प्रोसेस है वो और अच्छे से एक्सटेंड होगा देन वी नीड टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्वालिटी कलर ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा बिकॉज कहीं ना कहीं क्वालिटी एंड कलर तो ठीक है पीपल विल मैनेज बट उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है दैट इज रिक्वायर्ड एंड अगर वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा तो हमें उसे इस बाइंग प्रोसेस में ज्यादा देर नहीं रुकाना चाहिए लाइक टोमैटो ब्रेड जो जल्दी पेरिशेबल है ठीक है जल्दी खराब हो जाता है ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है तो उन्हें हमें इस बाइंग प्रोसेस से जल्द ही जल्द निकाल कर कस्टमर्स के हाथ में पहुंचाना ये हमारा मोटो होना चाहिए देन डिटरमाइन द दूटेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अवेलेबल ऑर्डर टाइम कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा तो सुटेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो हमें डिटरमाइन करेगा पहले तो प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी देखे कि कौन से चैनल्स के थ्रू वो जा सकता है कितने शॉर्ट टाइम में वो पहुंच सकता है अगर नॉन ड्यूरेबल है तो अगर ड्यूरेबल है तो वी विल प्रोसेस इन अ वेरी सिस्टमेटिक देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबिलिटी देखना है कि वो प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी क्या है फिर उसको अगर री करना है या फिर ऑर्डर करना है तो उसके लिए क्या टाइम फ्रेम है देन वो कंसिस्टेंटली हमारे पास सप्लाई के लिए आता रहेगा या नहीं रहेगा ठीक है जैसे कि आपके रेडमी के फोन्स है या एम के फोन्स है पहले वो सिर्फ एमेजो में बिकते थे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिकते थे फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया एमेजोन से परचेस करके डिस्काउंट में उनको एम में बेचना शुरू किया हमारे जो मोबाइल रिटेल आउटलेट आउटलेट्स है वो अब इससे क्या हुआ दे है एंड बहुत सारे लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए बट कही कहीं ना कहीं डिलीवरी uh, में कोई सोप आ जाता है कोई नारियल आ जाता है ऑनलाइन डिलीवरी में फ्रॉड हो जाता है इस वजह से दे डोंट बाय तो उनके लिए फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे आउटलेट्स ने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बेचते हैं मोबाइल डिवाइसेस जो बेचते हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी को देखा लोगों को पसंद है तो चलो बाय करते हैं तो बाय करते टाइम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबिलिटी देखी कि मुझे कौन से प्रोडक्ट्स कितने क्वांटिटी में अगर मैं परचेस करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा और उसका अवेलेबिलिटी क्या है कितने ऑर्डर टाइम में आने वाला है वो और ये कंसिस्टेंटली अगर मैं पूरे साल ऑर्डर करता रहू एमेजोन से या फ्लिपकार्ट से तो वो कंसिस्टेंसी क्या रहेगी ऐसे बहुत सारे चीज है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबिलिटी में हमें देखना है बाइंग प्रोसेस में एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्राइस अगर प्राइस एज अ रिटेलर आपको नहीं लग रहा है सुटेबल है तो आप वो कस्टमर को कन्वेंस ही नहीं कर पाओगे कि दिस इज वेरी गुड एंड वेरी परफेक्ट बिकॉज कस्टमर्स के भी अपने एक सेंसस है एक बाइंग बिहेवियर है सो so जैसे आप रिटेलर हो आपको अगर वो सुटेबल लग रहा है एंड देन आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके आपको देन टू एज अ कस्टमर या फिर एज अ थर्ड पर्सन लग रहा है दिस इज सेलेबल देन यू नीड टू बाय दैट प्रोडक्ट बट उसके लिए जो प्राइसिंग फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है देन प्रमोशनल सपोर्ट सपोर्ट जो भी मार्केटिंग है या प्रमोशनल सपोर्ट है वो भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट हमें तुम्हारे आउटलाइट से यानी फिर रॉ मटेरियल के जो वेयर हाउस है वहां से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारा है वहां तक हमें क्या आप प्रमोशन सपोर्ट दोगे ठीक है उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या दोगे एंड देन जो सर्विस सपोर्ट है वो क्या दोगे अगर बीच में हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है हमारे लॉजिस्टिकल यूनिट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो क्या आपका सपोर्ट रहेगा अगर प्रोडक्ट जो नॉन पेरिशेबल है वो जल्दी पेरिशेबल हो जाता है तो उसके लिए आप क्या सपोर्ट दोगे मॉनेटरी टर्म्स हमारे पास आज है अच्छे खासे चल रहा है कल को हमारे थोड़े मॉनेटरी टर्म्स बिगड़ गए तो क्रेडिट सिस्टम आप प्रोवाइड करोगे नहीं करोगे बाइंग so प्रोसेस में ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है और ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है देन मेथड्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग प्लानिंग जब हम मर्चेंडाइज करते हैं तो हमें कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ता है नंबर वन इज ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इनवेस्ट्री इन्वेंट्रीज जो हमारा इन्वेंट्री है उसमें ग्रॉस मार्जिन रिटर्न्स क्या आएंगे हमारे पास ट्री टर्न ओवर क्या रहेगा हमारा बेसिक स्टॉक मेथड कौन सा यूज करना है? FIFO या LIFO? हमें कैसे निकालना है ठीक है देन वीक्स सप्लाई मेथड मेथड स्टॉक टू सेल ये सारी चीजें हमें मर्चेंडाइज प्लानिंग मेथड में कंसिडर करना पड़ेगा कि वीक सप्लाई मेथड अगर है तो वो वीकली वंस आएगा ठीक है और तो वीकली वंस आएगा तो कौन से प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में हमें ऑर्डर करने हैं सो so दैट पूरे वीक में वो सेल हो जाए या होने के चांसेस है ठीक है देन स्टॉक टू सेल मेथड हमें अगर करना है तो किस तरीके से वो करना है सो वी नीड टू प्लान एवरीथिंग सो ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्ट्री में जब हम देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालते हैं किससे सेल्स टू स्टॉक रेशियो से सो ग्रॉस मार्जिन इज डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट ये उनका डिटेल कैलकुलेशन है एंड एट द एंड हमें क्या मिलता है ग्रॉस मार्जिन विल बी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट एंड ये करने के बाद हमें ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इनवे इन्वेंट्री मिलता है सो जी एम आर ओ आई क्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टर्नओवर तो इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल देन सेकेंड फॉर्मूला इज इन्वेंट्री टर्न ओवर एट कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट

इस तरीके से हम बेसिक स्टॉक मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन परसेंटेज वेरिएशन मेथड जब हम देखते हैं तो वी हैव अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन दैट इज BOM विच इज इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक फॉर सीजन एक्स हाफ वन प्लस प्लांट सेल्स फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय एवरेज मंथली सेल्स इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं Then next is uh, week weeks supply method. So number of weeks to be stocked. कितने हैं number of weeks? So number of weeks in the period divided by stock turnover rate for the period. एक साल में अगर calculate करोगे तो fifty two weeks आते हैं and then उसका जो turnover rate है उस week का उस period का कितना है? So fifty two divided by अगर twice है तो two three four जैसा उनका turnover rate रहेगा उस हिसाब से वो हम calculate करेंगे.

सो मर्चेंडाइज मिक्स जब हम देखेंगे सो ब्रेथ एंड डेप्थ हम उसे कैलकुलेट करना है ठीक है जितना डिटेलिंग में हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं प्लानिंग देखनी है एंड देन उसका जो है अलग अलग चीजों का इन्वेंट्रीज इनकमिंग इन्वेंट्रीज का एंड आउट गोइंग इन्वेंट्रीज का ठीक है और उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस सो फाइनेंस हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है स्पेस टर्नओवर एंड मार्केट आपके पास पैसा मजबूत है आपके पास स्पेस बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास मार्केट नहीं है तो जब मार्केट नहीं है या फिर बायर्स नहीं है तो टर्न होगा क्या नहीं होगा ऑब्वियसली नहीं होगा आप कितना भी अच्छे से मार्केटिंग करो या फिर मार्केट कवर करो लेकिन अगर कोई कस्टमर ही नहीं है मार्केट में तो आपका टर्न कुछ नहीं होगा सो वन और अदर वे आपके पास कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स है सो मर्चेंडाइज ऑर्डरिंग में जब हम बात करेंगे तो ट्रेडिशनल परचेज ऑर्डर सिस्टम है जो एडवर्सल रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग करते हैं ठीक है देन क्विक सिस्टम सिस्टम है 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 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के के थ्रू हम जो वेंडर वेंडर पार्टनरशिप ऑफ रिटेलर का उनको बस कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन फीड करना एंड देन दे डिलीवर यू द प्रोडक्ट देन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है टेक्नोलॉजी कनेक्ट uh, the करता है रिटेलर्स को और वेंडर को और एक क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम बताता है तो इसमें क्या होगा आपके आपके जो जो के details है, वो software में installed होंगे. जैसे, जैसे वो में होंगे। जैसे-जैसे होता जाएगा, वैसे आपके जो vendor है, उनको रेस्पॉन्स चला जाता रहेगा कि टेन स्टॉक्स लिमिटेड फाइव स्टॉक लिमिटेड बचे हैं इस तरीके से वो आगे आपको इंफॉर्मेशन देंगे एंड ऑटोमेटिकली एज पर दे मशीन और दैट कंप्यूटर सिस्टम विल जनरेट अ रिक्वेस्ट ऑर्डर देन जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम है जहाँ पे इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट रिड्यूस करते हैं अगर मुझे नेक्स्ट वीक में रिक्वायरमेंट है ठीक है तो फ्राइडे को ऑर्डर करेंगे संडे तक प्रोडक्ट आ जाएगा एंड मंडे को वी विल स्टार्ट सेलिंग डिलीवरी सो नो वेयर हाउस वेंडर डिलवर डायरेक्टली टू स्टोर ठीक है तो डायरेक्टली स्टोर में वो डिलीवर होगा एंड देन वो डायरेक्ट टू सेल्स निकल जाएगा then merchandise handling stock, stocking of merchandise can be at store or, or at warehouse in either case receiving the functions must inspect verify and log in deliveries and compare to vendor invoice price marking of product must be performed if, if required so stocking of merchandise is nothing but handling the merchandise at the store or at the warehouse जो product up receive kar rahe, usko inspect kareenge, verify kareenge and deliveries may log in kareenge. or jo vendor's ka jo invoice invoice और हमारे जो कोटेशंस है उसमें आप वो कंपेरिजन करोगे देन प्राइस मार्किंग ऑफ प्रोडक्ट में हमें जो भी परफॉर्मेंस दिए गए हैं जो भी फंक्शन दिए गए हैं वो फंक्शन को हमें काम करना है और चेक करना है सो देर इज समथिंग कॉल्ड विजुअल मर्सेंटाइजिंग अगर हम मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या फिर किसी भी रिटेल आउटलेट में जाते हैं या फिर शॉपिंग स्ट्रीट्स में जाते हैं तो आपको विजुअल जो है वो बहुत ज्यादा दिखाएगा देगा बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है right? so, चाहे वो बड़ा आउटलेट हो या छोटा आउटलेट हो डिस्प्ले में एक ना एक प्रोडक्ट तो वो रखेंगे और ये वो मर्चेंडाइज है जो सेलेबल नहीं है वो 365 डेज उसी विजुअल में रहता है सो so, बेसिकली हम इन्हें सैम्पल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं सो so, विजुअल मर्चंटाइजिंग कैन बी टर्म एज दर्डरलीस्टमैटिक लॉजिकली एंड इंटेलिजेंट वे ऑफ पुटिंग स्टॉक ऑन द फ्लोर इट इज दर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच पुटेंटाइज इन एजुकेट दस्टमलीस सो बेसिकली जिस तरीके से हमने बोला जो दिखता है वो दिखता है दिखता इसलिए है क्योंकि वो दिखाते हैं हमें ठीक है जब वो डिस्प्ले में दिखता है वॉट वी डू इज वी गो एंड वी डू विंडो ड्रेसिंग

विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी कर सकते हैं सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और एल्स वी आर स्टॉपिंग दिस रिटेल मैनेजमेंट लेक्चर टुडे हियर